नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार में आज राजनीतिक हलचल उस वक्त मच गई जब पता चला कि पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी के मंत्री पुत्र पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, उनके पुत्र हैं संतोष मांझी। उन्होंने बिहार के महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देकर बिहार के राजनीति में एक बार फिर से विपक्षी एकता की मुहिम को झटका दिया है, वो भी तब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश विपक्षी एकता को लामबंद करने के लिए एरी चोटी चौड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लिहाजा 23 जून को पटना में होने वाले विपक्षी एकता की बैठक से पहले संतोष मांझी का इस्तीफा देने से बीजेपी को महागठबंधन पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। इस बीच दरभंगा जिला के बेनीपुर विधानसभा के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी और इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता भी है, उन्होंने क्या कहा है मीडिया से वो हम आपको सुनाते हैं। बता दें कि इधर दरभंगा जिले के जो उन्होंने खासकर मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि 23 जून को पटना में होने वाले बैठक में विपक्षी एकता पूर्ण रूप से मूर्त रूप से भाग लेगा। उन्होंने कहा कि संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, गठबंधन नहीं छोड़ा है, ये सरकार का मामला है, इस पर वो क्या टीका टिप्पणी करेंगे, गठबंधन छोड़ने पर देखा जाएगा। आप बता दें कि यहाँ पर अलबत्ता उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का मुहिम है कि अधिक से अधिक विपक्षी दल एक होकर चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी की पार्टी का जदयू में विलय के दबाव वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, पर बात यह है कि उन्होंने आगे भी कहा है कि बेहतर सोच के लिए ही समता पार्टी और जनता दल के अस्तित्व को समाप्त कर अब हम सभी जनता दल यू यानी यूनाइटेड हो गए हैं। बहरहाल विपक्ष के हर नेता विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आइए सुनाते हैं आपको बेनीपुर विधायक विनय चौधरी का। संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है, ये मुझे भी अभी जानकारी मिली है, विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त नहीं है, और यह सरकार का मामला है, इस पर हम क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। और हम लोगों का नीतीश बाबू का एक ही मुहिम है कि अधिक से अधिक विपक्षी दल एक होकर के चुनाव लड़े। तो उन्होंने तो गठबंधन नहीं ना छोड़ा है, सरकार से इस्तीफा दिया, गठबंधन छोड़ेंगे तब ना उस पर देखा जाएगा। अभी उन्होंने बोला है कि नीतीश कुमार दबाव डाल रहे हैं कि पार्टी में विलय कर जाने के लिए, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं ये लगा जा रहा है, आरोप लगा है नीतीश कुमार। अब उसका पूरा हम नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं उनका, तो पूरा जब सुन लेंगे तब इस पर हम आपको बेहतर बतला सकते हैं। वैसे एक बात जान लीजिए, विपक्षी एकता 23 जून को एकदम मूर्त रूप में आ जाएगा, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है। मनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे हैं। नहीं, ये तो सरकार का मामला है, यह मुख्यमंत्री स्तर पर देखा जाएगा, पार्टी से इसको कोई जुड़ाव लेना देना नहीं है। सरकार अलग है, पार्टी संगठन अलग है। ठीक है, तो क्या पार्टी विलय की बात हो चुकी है, पार्टी प्रवक्ता है? नहीं नहीं, ये हम लोगों के जानकारी में ऐसी नहीं बात है, ये उन लोगों की बात है, ऊपर स्तर की बात है, हम लोगों की जानकारी। आप जनता दल यू है, नाम देखे हुए हैं ना, समता पार्टी जनता दल सब मिल करके हम लोग यू हुए हैं, हम लोग तो यू हैं ही, यूनाइटेड हम लोग हैं, दिखते नहीं रहा है, यूनाइटेड हैं ही, तो एकदम आप दिख कैसे नहीं रहे। समता पार्टी था ना, समता पार्टी था ना, उसके बाद जनता दल, दोनों मिल करके जनता दल यू हो गया, हम लोग तो अपना पार्टी का अपना अस्तित्व समाप्त किए हुए हैं, बेहतर सोच के लिए हम लोग अपना अस्तित्व समाप्त किए हुए हैं, समता पार्टी नहीं ना रहा, जनता दल यू हो गया ना, हम लोग तो यू हैं, यूनाइटेड हैं। फिर कितने पार्टियों के अस्तित्व समाप्त? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कोई पार्टी का अस्तित्व समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम लोग सभी भाईचारा में सब लोग साथ रहते हैं और यू की तरह रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं।